इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सिंगाड़ा बॉईल करने का तरीका शेयर करूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको इसके चंद फ़ायदे बताती हूँ। सिंगाड़ा खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें ऐसी खसूसियत पाई जाती है कि इससे यरकान के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता है। यह हमारे जिस्म से तेजाबी मादों को खारिज करता है। यह हमारे मैदे को मजबूत करता है, बल्कि इसके रोज़ाना इस्तेमाल से उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशली फ़ायदा होता है जो खून की कमी का शिकार हो, इसके अलावा थकावट महसूस करते हो और कैंसर में मुबतला हो। यह हमारी हड्डियों जोड़ों को मजबूत करता है। सिंगाड़ा खाने से दिल को ताकत मिलती है। कब्ज़ और शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो बहुत कम करें। सिंगाड़ा खाकर इसे तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी इस्तेमाल करें। तो चलें अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे। इस तरह हम एक खुले बर्तन में पानी डालेंगे और इसे दो पानी में अच्छी तरह से धोएंगे। अच्छी तरह से मैंने इनको धो ली है। अब हम एक बड़े बर्तन में इसे डालेंगे। आधे कप से भी कम हम इसमें पानी डालेंगे। स्टीम में ही हम इसे उबाल लेंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे दम वाली आंच पे पकाएंगे। यहाँ पे हमारे सिंगाड़ों को बॉईल होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। चेक करते हैं इसे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुक हो गए हैं। अब हम इसके स्टीम को चूल्हे को बंद करते हैं और इसे छील के आपको दिखाते हैं। 15 मिनट में हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिंगाड़े बॉईल हुए हैं। ये देखें, अब हम इसका छिलका उतारते हैं। इसी तरह बाकी के छिलके उतार लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे सिंगाड़े बॉईल हुए हैं। आप इसे चाट मसाला या काले नमक के साथ इंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।